हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द सिविल ग्राम। टुडे वी आर डिस्कसिंग लेक्चर 13, बैलेंस अंडर रीइंफोर्स्ड ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन इन लिमिट स्टेट मेथड यूजिंग IS 456 2000। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बैलेंस सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन लिमिट स्टेट के केस में किस तरीके से होंगे। हम लोगों ने बैलेंस सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शंस, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन वर्किंग स्ट्रेस के लिए डिस्कस कर चुके हैं हम लोग अपने लेक्चर्स में, तो आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपना बैलेंस सेक्शन। तो बैलेंस सेक्शन में आप सबसे पहले यहां देख सकते हैं कि ये कि आपका क्रॉस सेक्शन गिवन है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। ये आपकी टॉप विड्थ स्मॉल बी है और यहाँ पर ये आपकी इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी है। टॉप फाइबर से आपका AST था, ये आपका AST यहाँ पर गिवन है। न्यूट्रल एक्सिस आपकी सेक्शन से पास हो रही है, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है जिसको हम लोग XU लिमिटेड, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, या XU मैक्स कहते हैं। ये टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पर आपकी स्ट्रेन दे रखी है 0.0035, बॉटम मोस्ट पर 0.87 FY/ES प्लस 0.002, ये आपकी स्ट्रेन टेंशन जोन में है। अब बैलेंस सेक्शन में क्या होगा कि बैलेंस सेक्शन में आपकी जो स्ट्रेस जो है वो आपका जो आपका मेंबर होगा कंक्रीट और स्टील, वो एक साथ अपनी यील्ड स्ट्रेसेस को अटेंड करेंगे, यानी कि फेलियर आपका एक साथ होगा। तो ये न्यूट्रल एक्सिस को बराबर बराबर डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस होगी ये भी आपकी XU होगी या XU मैक्स होगी, ये बराबर होगी। इसलिए ये आपका बैलेंस सेक्शन है। अब हम लोग सेकंड में जाते हैं इसमें, अगर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडर इन्फो सेक्शन के लिए, तो अंडर इन्फो सेक्शन के लिए जो आपका अंडर इन्फो सेक्शन है, अंडर इन्फो सेक्शन में आपकी स्टील जो होगी वो आपकी पहले यील्ड होगी, यानी कि आपकी स्टील जो होगी वो आपकी पहले फेल होगी। तो स्टील जब आपकी पहले फेल होगी अपनी यील्ड स्ट्रेस को अटेंड करेगी, यानी कि स्टील अपने इस पॉइंट को अटेंड कर चुकी होगी, सबसे पहले स्टील अपने पॉइंट्स को अटेंड करेगी यहाँ पर। और इस जब भी जबकि कंक्रीट जो है वो आपकी प्रोसेस में होगी और कंक्रीट की जो स्ट्रेस जो होगी वो आपकी यहाँ तक होगी स्ट्रेन। जब कंक्रीट यहाँ पर होगी और स्टील आपकी यहाँ पर अटेंड कर चुकी होगी, इसलिए आपकी कंक्रीट जो है वो आपकी अंडर इन्फो सेक्शन के अंदर अंडर स्ट्रेस्ड होती है, यानी कि जो स्ट्रेन होगी वो 0.0035 से कम होगी। अब हम लोग देखते हैं ओवर इन्फोर्स सेक्शन। तो ओवर इन्फोर्स सेक्शन में क्या होता है कि जो आपकी कंक्रीट होती है वो आपकी कंक्रीट आपके यील्ड स्ट्रेसेस को, जो कंक्रीट की जो स्ट्रेसेस होती हैं वो आपको पूरी तरीके से अटेंड कर लेती हैं, यानी कि 0.0035 कंक्रीट अचीव कर लेगी और कंक्रीट पहले फेल होगी ओवर इन्फोर्स सेक्शन के केस में। जबकि जो आपकी स्टील होगी वो आपकी यहाँ तक ही अचीव कर पाएगी अपने स्ट्रेस को, स्ट्रेन को। तो जो आपकी स्टील होगी ओवर इन्फोर्स सेक्शन में वो आपकी अंडर स्ट्रेस्ड होगी, इसलिए जो आपका यहाँ पर फेलियर होगा वो आपका ब्रिटल फेलियर होगा, क्योंकि आपका कंक्रीट यहाँ पर फेल हो रहा है। सेकंड चीज़ ये है कि जब हम लोग अंडर इन्फोर्स की बात कर रहे हैं, तो अंडर इन्फोर्स में जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस होगी वो न्यूट्रल एक्सिस कुछ शिफ्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ, और यहाँ पर आपकी ये न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगी जिसको हम XU बोलते हैं। सेकंड, जो आपकी ओवर इन्फोर्स सेक्शन है, ओवर इन्फोर्स सेक्शन में जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस होगी वो आपकी डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और ये यहाँ पर आपकी XU हो जाएगी। बैलेंस सेक्शन के लिए क्या होगा कि कुछ कंडीशंस हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि ये किस तरीके का सेक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस सेक्शन की बात करते हैं। तो बैलेंस सेक्शन में चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपका XU बाई डी का रेशियो XU मैक्स बाई डी और XU लिमिटेड बाई डी को के बराबर होगा, अगर ये वैल्यू आपकी बराबर होगी तो ये आपका बैलेंस सेक्शन है। सेकेंड चीज़ जो है वो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन के अंदर हम MU लिमिटेड से कैलकुलेट करते हैं।
तो एम लिमिटेड का जो फॉर्मूला होगा वो आपका होगा 0.36 एफ सी के बी डी स्क्वायर एक्स यू मैक्स बाई डी 1 माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स बाई डी। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है। और सेकंड फॉर्मूला ये है, आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। एम यू लिमिटेड इक्वल टू 0.87 एफ बाई एस टी डी 1 माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स बाई डी। आप इन दोनों में से कोई भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। कंडीशंस आपकी यही रहेगी बैलेंस सेक्शन के लिए। बैलेंस सेक्शन में आपकी कंक्रीट और स्टील बैलेंस फॉर्म में आपकी प्रोवाइडेड होंगी। सेकेंड केस है हमारा अंडर रीइन्फोर्स का। अंडर रीइन्फोर्स के केस में क्या होता है कि अगर आपको चेक करना है कि आपका जो सेक्शन है या बीम है किस तरीके की है, तो आप वो एक्स यू मैक्स बाई डी और एक्स यू लिमिटेड बाई डी देखेंगे और एक्स यू बाई डी इनके रेशियो को आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि एक्स यू बाई डी इज़ लेस देन एक्स यू मैक्स और एक्स यू मैक्स बाई डी और एक्स यू लिमिटेड बाई डी। इनसे अगर आपका ये कम है एक्स यू बाई डी का रेशियो, तो ये आपका अंडर रीइन्फोर्स सेक्शन होगा। तो अंडर रीइन्फोर्स सेक्शन में आपकी स्टील आपकी पहले फेल होगी, यानी कि आपका डक्टाइल फेलियर होगा वहाँ पर। तो एम यू लिमिटेड का जो फॉर्मूला होगा वो आपका 0.87 एफ बाई ए एस टी डी 1 माइनस 0.42 एक्स यू डी, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इससे आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर अंडर रीइन्फोर्स सेक्शन। और लास्ट जो हमारा है सेक्शन वो है हमारा ओवर रीइन्फोर्स सेक्शन। ओवर रीइन्फोर्स सेक्शन को चेक करने के लिए आपकी वही सेम, आप एक्स यू मैक्स वाई डी या एक्स यू लिमिटेड वाई डी का रेशियो निकालेंगे और एक्स यू वाई डी का रेशियो निकालेंगे, उन दोनों को चेक करेंगे। अगर आपका एक्स यू वाई डी इज़ ग्रेटर देन एक्स यू लिमिटेड वाई डी है, तो ये आपका ओवर रीइन्फोर्स सेक्शन हो जाएगा। ओवर रीइन्फोर्स सेक्शन को चेक करने के बाद हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे अपने सेक्शन के लिए। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका बनेगा एम यू लिमिटेड इक्वल टू 0.36 एफ सी के बी डी स्क्वायर एक्स यू मैक्स बाई डी 1 माइनस 0.42 एक्स यू बाई डी। ये आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक नोट है कि IS 456/2000 सेज ओवर रीइन्फोर्स सेक्शन शुड बी रीडिज़ाइन। IS 456 परमिट नहीं करता आपका ओवर रीइन्फोर्स सेक्शन की डिज़ाइन को। अगर आपका सेक्शन है, आप कोई बीम डिज़ाइन कर रहे हैं और वो ओवर रीइन्फोर्स हो रही है, तो आप उसको ओवर रीइन्फोर्स डिज़ाइन करके आपको उसको या तो बैलेंस या अंडर रीइन्फोर्स आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा उस सेक्शन को। That's all for today. If you have any query, write in the comment section. If you like the lecture, like, share and subscribe the channel. Thank you.